प्यार है, क्योंकि 15 साल मैं इंडिया टीम के लिए खेली हूँ, तो जो मेरा पैशन है मैं उसको नहीं भूल सकती। इसी की आवाज़ पर मैं राजीव बंसल आज वो स्टूडियो में हम खड़े हैं जहाँ एक ऐसी सेलिब्रिटी ब्राइड के रूप में तैयार होकर खड़े। आप हैं पूनम मलिक, वन ऑफ द सेलिब्रिटी फॉर इंटरनेशनल हॉकी की इंटरनेशनल प्लेयर, हमारे देश की गौरव ओलंपियन पूनम मलिक, जो शादी के पढ़ने सूत्र में बनने जा रही हैं, साक्षात अप्सरा लग रही हैं आप। थैंक यू। हैं, और किसके लिए लग रही हैं आज आप? ये मेरी फर्स्ट तो मेरी हैप्पीनेस है, और सेकंड जिसके साथ मेरा विवाह हो रहा है, मतलब उनके लिए। सुनील ख्यालिया जी के लिए। बिल्कुल। आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं और ना जाने कितने मेडल्स लिए हॉकी में, और आज एक खूबसूरत सा मेडल लेने जा रही हैं सुनील ख्यालिया जी के रूप में। जी। इतना खूबसूरत मेकअप किसने किया? ये इन्होंने किया। ये सिमरन मेरे साथ हैं, सिमरन इलाहाबादी, जो वोग स्टूडियो में खड़ी हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं जो मेरा मेकअप किया सिमरन मैडम ने, मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ, मतलब काफ़ी खुश हूँ, और काफ़ी अच्छा लगा इनका सर्विस लेके मुझे। तो मुझे एक वो फील हो रहा है कि मतलब उस तरह का ये पार्लर है जो एक सेलिब्रिटी आके मतलब यहाँ एक अच्छा मेकअप मिल सकता है उनको, तो काफ़ी मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। मैं आपको प्लेग्राउंड में देखता था, वैसे तो बिल्कुल, यानी कि इंटायर लुक आपकी, जो फेशियल है, जो आपके माथे पे टिक्का लगा, जो इतना बड़ा जो है नेकलेस है जो आपका, और ये कॉम्बिनेशन सिमरन आपने जो ड्रेस चूज किसने की आपकी है? ये तो मेरा खुद का पर्सनल है, मेरी सिस्टर ने और मैंने किया है, दोनों ने मिलके, लेकिन जो गेटअप दिया है वो सिमरन जी का है। सिमरन तो, जी का है। बिल्कुल। ये हैं पूनम मलिक जी, आज इनकी यानी कि 7 फेरों में बाद ये पढ़ने सूत्र में बनने जा रही हैं। एक ऐसी सुहानी घड़ी है जहाँ ये हमारी बेटी के समान है, क्योंकि हांसी का गौरव, इंडिया का गौरव और पूरे राष्ट्र का गौरव बनी है, हॉकी हमारा नेशनल गेम है। और पूनम जी, आप इस खूबसूरत लिबास के अंदर एक परी से कम नहीं लग रही हैं, या जब वेडिंग चेयर पर बैठेंगी और आशीर्वाद देंगे आपको, तो ऐसा लगेगा कि जैसे ओलंपिक में फिर गोल पोस्ट में यानी कि किक मार कर गोल कर रही हैं। और मुझसे, मैं आज आपसे वादा लेता हूँ कि आप शादी के बाद भी इसी तरह अपने कंटिन्यू कंसिस्टेंटली अपने खेल को मेंटेन रखेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरी कोशिश रहेगी। मुझे हमेशा अपने गेम से बहुत ज़्यादा प्यार है, चाहे वो फिर फैमिली हो या कुछ हो, गेम के लिए मैं कुछ भी छोड़ सकती हूँ, तो मुझे उससे प्यार है, क्योंकि 15 साल मैं इंडिया टीम के लिए खेली हूँ, तो जो मेरा पैशन है मैं उसको नहीं भूल सकती। ये पैशन, ये फनेटिज्म और ये जुनून शादी के बाद भी जारी रहना चाहिए। जी बिल्कुल। बहुत कुछ जिम्मेवारी होती हैं, और एक नई जीवन में आप प्रवेश कर रही हैं शादी के जीवन में, हैं? और उसके बाद आपकी जिम्मेवारियां बढ़ेंगी और खेल के प्रति भी आपकी जिम्मेवारियां बढ़ेंगी। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। छोड़ बाबुल का घर, मोहे पी के नगर आज जाना पड़ा। हमारी भी आग डबडबा आती हैं जब ऐसी यानी कि बेटी को जब विदा करते हैं माँ बाप, लेकिन बेटी जो देश के लिए खेलती है, जो राष्ट्र के लिए खेलती है, जो अपने गांव के लिए खेलती है, और ख़ासकर जब हम हांसी निवासी आपकी बात करते हैं, तो हॉकी की वो गोल बॉल जब गोल पोस्ट में मारती हैं, तो खूबसूरत पूनम आज एक नफीज लग रही हैं, और साथ में इनकी मेकअप आर्टिस्ट कहूँगा मैं, जो मास्टर हैं सिमरन, जिन्होंने इनको एक खूबसूरती का लिबास पहना कर, अरे कैसा चांद सा टुकड़ा धरती पर उतर आया है, क्या बात है। और 2 सितारों का जमी पर होगा मिलन आज की रात, तो यही मैं कहूँगा कि भी पूनम, तुम शादी के बाद भी इसी तरह मुस्कुराती रहो। कहते हैं कि मुस्कुराना जिंदगी में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शादी के बाद आप खेल भी मेंटेन रखें और मुस्कुराते भी रहें अपने पति के साथ। मेरे साथ संग संग चलते आए कि हम वॉक स्टूडियो में हैं जहाँ इतना खूबसूरत सा मेकअप हुआ है। सिमरन आपके आर्टिस्ट हैं, और आप आज उमरा गांव में जाएंगी
वेडिंग चेयर पर बैठेंगी अपने पतिदेव के साथ, सभी आपके परिजन, आपके चाहने वाले और आपके खिलाड़ी जो आपके साथ आए हैं आपको आशीर्वाद देंगे। मैनी मैनी गुड विशेस फॉर योर न्यू लाइफ पूनम। थैंक यू वेरी मच।